गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेमप्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बोल ही दिया था, मैं गेम के चक्कर में अपनी नींद खराब नहीं करता एंड मुझे पता था डेफिनेटली अपना बेस मॉर्निंग में रेड हो ही जाएगा, तो जैसे मैंने बोला था वही हुआ। बट टेंशन की कोई बात नहीं है गाइस, अपने सारे के सारे बॉम्ब सेफ है एंड लगभग अपने पास ज्यादा बॉम्ब नहीं है, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार 2000 बेस वगैरह यहाँ पे रेड कर लेते हैं। वैसे हमारे पास आयरन हैमर भी है, तो आज जो है ना गाइस, हम लोग काफी ज्यादा बेस आयरन हैमर से भी रेड मारने वाले हैं एंड उसी आयरन हैमर से गाइस हमारे साथ काफी गंदा स्कैम होगा जो कि आप लोगों को भी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस यार, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। पर यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो यहां पे हम लोगों ने एक बेस देखा था पिकवुड में, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो उसे रेड करते हैं। वैसे मेरे पास 20 हैंडमेड थे, तो वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे यूज कर लिए हैं। और अभी जो है ना, हमारी टीममेट ने बोला कि आगे की रेड जो है हम लोग इसको करते हैं हैमर से। मैंने कहा यार तुम्हारा प्लान है, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। अभी जो है ना, मैं सबसे पहले अपने टीममेट को नीचे से ऊपर लेके आता हूँ, क्योंकि यार सबको रेड देखना तो बनता ही है। तो चलो गाइस, यहाँ पे जो है ना हम लोग हैमर के लिए क्रिस्टल को स्प्लिट कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम लोग रेड करें तो डेफिनेटली एक हिट में काफी ज्यादा क्रिस्टल्स लगते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड करा एक एक करके हम लोग एक एक क्रिस्टल यूज करेंगे एक हिट में, तो हमारा क्रिस्टल ज्यादा बचेगा। तो फटाफट से हम लोग स्प्लिट करते हैं एंड नीचे हम लोग ड्रॉप कर लेंगे। एंड ऑलरेडी राइन भाई जो है ना यहाँ पे डोर में लगे हुए हैं भाई मारने में, एंड तब तक जो है ना मैं अपने टीममेट को बाहर लेके आता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे एक डोर तो हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है जिसको तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगा। अभी जो है ना हम लोग दूसरा डोर तोड़ते हैं। बट ये यार यहाँ पे जो है ना, मैं क्यों बोला कि हैमर रेड नहीं करना है, यहाँ पे भी गाइस क्या होगा, जैसे हम लोग लास्ट डोर में पहुंचेंगे ना, तो आपको पता है कि रेड का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो बंदा जो है ना वैसे ही ऑनलाइन आता है, बट मुझे जो है ना वो दिख जाता है। तो मैंने बोला राइन भाई फटाफट से बॉम्ब लगाओ, बंदा ऑनलाइन आ चुका है। तो हम लोगों ने फटाफट से स्टील के डोर में बॉम्ब लगाया एंड जो है ना भाई डायरेक्ट स्टील का डोर फोड़ा। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा चलो यार बंदा देखता हूँ, बट अभी जो है ना हम लोग बॉम्ब की लूट चेक करने को बैठे हुए। मैंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले रेड करो, बट सबको लूट देखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, लूट ही देख लीजिए, बाकी का काम हम लोग बाद में करेंगे। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे ही देखने लगा भाई, मैंने देखा बंदा जो है ना ऑनलाइन आ गया। भाई मैंने कहा राहीन भाई बंदा ऑनलाइन आ चुका है, फटाफट से जो है ना डोर में C4 लगाओ। तो जैसे गाइस यहाँ पे देखो, पहला हमारा प्लान था इसको वैसे ही रेड करेंगे। हाँ भाई किधर देख रहे हो गाइस, अभी हैमर रेड नहीं करना 71 आवर्स में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर हैमर रेड किया बंदा एक्टिव रहा ना तो तुम्हारी रेड फेल। वो क्यों आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने उस बंदे को तो मार दिया एंड उसके सारे के सारे बैग हम लोगों ने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं एंड जितने भी उसका टीममेट है ना हम लोग उनको फटाफट से मारते हैं एंड कैबिनेट फोड़ते हैं फटाफट से। वैसे हमारे पास ऑयल ड्रम्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हम लोग इसका कैबिनेट फोड़ पाएंगे। तो अभी जो है ना हम लोग अपनी AR का यूज करने वाले हैं इसका कैबिनेट उड़ाने में। भाई 50% हो गया हेल्थ, मेरे में भी बम नहीं है भाई, मारो ना सबके सब। भाई मैं मारने लगा तब सबके सब मारने लगे, बट कोई नहीं, अपने टीममेट को तो यार सबसे पहले लूट देखना है। बट कोई नहीं, मैंने TC फोड़ दिया है और TC बना के फटाफट से मैं यहाँ पे प्लेस कर लूंगा। बट यार अपने को बॉम्ब नहीं मिला भाई, बॉम्ब वाला बॉक्स कौन सा है भाई, बॉम्ब चाहिए अपने को गाइस इनसे कोई भी मतलब नहीं है, तो अपने को बॉम्ब से मतलब है। ओके गाइस यहाँ पे कैबिनेट तो प्लेस कर दिया है, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। भाई बॉम्ब मिले, 11 के करीब हैंडमेड मिला है, लगभग 30 से 40 के करीब ऑयल ड्रम्स। चलो गाइस यहाँ पे ये बेस रेड मार के हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ भाई, क्रिस्टल्स ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पे भाई, मजा आ गया। तो चलो गाइस, और हम लोगों ने देखा यहाँ पे
बट ज्यादा सामान नहीं था, थोड़े से हमें बॉम्ब्स वगैरह मिल गए, बट अपना काम बन जाएगा यार। जितने हम लोगों ने बॉम्ब्स लगाए उतना बॉम्ब्स तो यहाँ पे मिला ही, बट एक बॉक्स और था बचा हुआ, बट यहाँ पे भी अपने को कुछ खास नहीं मिला। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार फटाफट से इस बेस को तोड़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं रेड मारने के लिए। वैसे यार मैं इस रेड में भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता था, लूट उठाना वगैरह 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 वगैरह, बट यार लूट का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लूट ले जाऊंगा किधर यार, अपना तो बेस है ही नहीं यहाँ पे। बस जितने भी हमारे पास बॉम्ब्स है सारे के सारे हम लोग लगा देंगे एंड उसके बाद जो है ना हम भी लोग सो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे फर्नेस जल रही है, फर्नेस में क्या चीज है? ओके गाइस कुछ नहीं है फर्नेस में, ओनली चारकोल बनाने के लिए रखा हुआ है, बट बनने के बाद इतना सल्फर भी नहीं है जो चारकोल बनाए। पता नहीं गाइस उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे भी नहीं पता। फटाफट से जो है हम लोग अब इस पूरे बेस को उड़ा लेते हैं, बट अपने पास 3000 के करीब जीपी है, उसको मैं बनाऊंगा फटाफट से ऑयल ड्रम। आज जो है ना गाइस हमारे साथ पुराने पुराने भाई लोग हैं, एक तो काल भाई है, एक राहिन भाई है, एक हंटर भाई है। भाई मतलब पुराने पुराने भाई लोगों को बुलाया था मैं, मैंने कहा मेरा बेस तो यहाँ पे रेड ऑलरेडी हो चुका है, आज एक आधा बेस वगैरह रेड करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने एक बेस तो रेड कर लिया। अभी जो है ना यहाँ पे हमारे पास जितना भी सामान है वो हम लोग राहिन भाई के बेस में रखेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे से चलने वाले आगे, बट अभी मेरे को गाड़ी निकालना पड़ेगा। सो मैं फटाफट से नीचे फाउंडेशन लगाता हूँ और उसके बाद गाड़ी निकाल के निकलते हैं हम लोग यहाँ पे से। फ्यूल डालो, बैठ जाओ गाड़ी में। भाई गाड़ी निकाल रहा था बट गाड़ी तो यहाँ पे फंस गया, मुझे नहीं लगता ऐसा में गाड़ी रिस्टोर हो पाएगा। चलो ट्राई करता हूँ, नहीं हो पा रहा है। ओके नहीं हो रही गाड़ी रिस्टोर्ड। तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यार टीसी बनाता हूँ एंड ये जो फाउंडेशन है उसे ही उड़ा दूंगा। नहीं हो रहा है रिस्टोर यार, नहीं हो रहा है। लेट्स गो, मैं वुड ही नहीं है अपने में। ओके गाइस यहाँ पे मेरे को वुड मिला, अभी जो है ना मैं फटाफट से टीसी बनाता हूँ एंड इसको उड़ाऊंगा। सबके सब गाड़ी निकालने को तैयार है बट गाड़ी कैसे निकलेगा। चलो गाइस यहाँ पे मैंने तोड़ा एंड गाड़ी को लेके हम लोग फटाफट से चलते हैं एंड जैसे यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना, जिस बंदे को अभी हम लोग मारे थे वो बंदा जो है ना अपना बेस देखने आ रहा था। मैंने कहा चलो यार जाते जाते उसको एक बार दोबारा मार के चलते हैं। बैठे सबके सब बैठ चुके हैं ना। ओके यार सारे के सारे भाई लोग बैठ चुके हैं और अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे से फटाफट से निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एंड यहाँ पे देखो वो बंदा निकला जो कि अपना बेस देखने आ रहा था। भाई ये तो गेम है, सुबह हमारा बेस उड़ा एंड अभी जो है ना तुम्हारा बेस उड़ गया। तो चलो गाइस उसके बाद हम लोगों ने सारा का सारा सामान यहाँ पे राइन भाई के बेस में रखा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेस वगैरह देखने गया था। सो मेरे को यहाँ पे एक बेस दिखा जो कि स्टील का था अंदर से। वैसे लग रहा है डेफिनेटली इस बेस से अपने को कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा। 10-15 हज़ार यार सल्फर भी मिल गया तो अपना काम यहाँ पे इजीली बन जाएगा। वैसे मैंने राइन भाई से पूछा क्या करे इसको रेड मारे, तो राइन भाई ने बोला चलो यार यहाँ पे इसको रेड मारते हैं। तो देखते हैं गाइस अपने को क्या मिलता है। सबसे पहले तो ये डोर तोड़ता हूँ इसका। ओके यार यहाँ पे अंदर कहाँ से जाएं एंड मैंने राइन भाई से पूछा किस तरीके से इसको रेड मारना है, बाकी आप लोग देख लीजिए। अभी देखते हैं गाइस क्या प्लान करते हैं। वैसे ये राइन भाई बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे करते हैं ना ऊपर से चलते हैं, बट यहाँ पे रिफाइनर भी है, क्रूड ऑयल मेरे पास काफी ज्यादा है तो हम लोग इसकी रिफाइनर से अपने क्रूड ऑयल को डिसमेंटल करते हैं एंड यहाँ पे मैं लैडर लगा के ऊपर से चलता हूँ। वैसे मेरे को लग रहा है हम लोग एटलीस्ट एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं कैसा रहेगा, आप क्या बोलते हो? हम लोग चेक कर रहे थे एंड राइन भाई ने तो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया।
राइन भाई ने बोलो ऊपर से चलते हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगाता हूँ लैडर एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीलिंग कौन सा है। अगर स्टील का हुआ तो भाई हमें वॉल तोड़ के जाना पड़ेगा, बाकी आगे पता चलेगा गाइस आगे का क्या सिचुएशन है। ये जो वुडन डोर है ना उसे तोड़ते हैं पहले। ओके भाई मुझे तो लग रहा है अगर हम लोग सीलिंग तोड़े ना तो सही रहेगा, बट राइन भाई बोलने लगे डोर से चलता है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, फालतू के एवी बम है, उड़ाना तो बनता ही है इसको। चलो गाइस फटाफट से जो है ना इसको तोड़ते हैं। भाई अगर डोर से जाएंगे ना तो डेफिनेटली हमें 3 से 4 डोर तोड़ने पड़ेंगे, बट हमारे पास ऑयल ड्रम्स है जिनका डेफिनेटली मुझे पता आगे कोई यूज आना नहीं है, तो अपन लोगों ने डिसाइड करा चलो ये ऑयल ड्रम्स जो है ना हम लोग यहीं पे वेस्ट कर देते हैं। ये टोटली गाइस हम लोग बॉम्ब वेस्ट कर रहे हैं बस। भाई टूटेगा डोर? ओके गाइस टूट गया, अभी एक डोर और तोड़ना है। बट यार जितने हम लोगों ने डोर में बम लगाए ना, अगर इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट स्टील का डोर वॉल तोड़ देते तो भी प्रॉफिट होता अपना, मुझे तो वही लग रहा है। बट कोई नहीं यार, करते हैं फटाफट से ऑयल ड्रम सारे लगा देंगे अपन लोग यहाँ पे। तो राइन भाई बोलने लगे क्या करें हैमर से कर दे, मैंने कहा अगर है तो कर दो नहीं तो ऑयल ड्रम्स ही लगा दो। तो उन्होंने कहा यार हैमर से काफी ज्यादा टाइम लग रहा हैमर से हम लोग स्टील की डोर तोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। भाई शॉटगन ट्रैप मार रहा है पिछवाड़े में, मेरे पास तो अभी ओनली 18 ऑयल बम है। मैंने कहा राइन भाई फटाफट से जो है ना ये डोर ही तोड़ दो, लगाओ C4। तो राइन भाई बोलने लगे यहां पे मैं इसको हैमर से तोड़ूंगा। मैंने कहा यार अभी जो है ना हैमर लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे करते हैं हैमर हम लोग दूसरे बेस में यूज करेंगे, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि जिस चाइनीज ने अपना बेस रेड मारा अगर हम लोग उसका बेस रेड मारेंगे एंड हमारे पास इतना बॉम्ब नहीं है क्योंकि गाइस उसका जो बेस है ना काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैंने कहा वो हैमर जो है ना उसके लिए बचाते हैं क्योंकि उसका बेस यार डेफिनेटली 101% टाइटेनियम का। ओ भाई कैबिनेट यहाँ पे हमें बाहर ही मिल गया, तो चलो यार इसका कैबिनेट उठाते हैं। भाई 600 स्टील है बंदे के पास, भाई काफी ज्यादा सामान है, बट जीपी चाहिए अपने को, जीपी मिलना चाहिए यार। 2 फर्नेस है, मुझे नहीं लगता अब कुछ मिलेगा अपने को। पहले तो मैं सोच रहा था काफी बड़ी बड़ी कि अपने को बहुत ज्यादा सामान मिलेगा, बट फर्नेस देख के मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा अपने को। भाई अंदर है लूट, लूट है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, बट लिटरली गाइस हमें क्या मिला, एक हैंडमेड, 2 हैंडमेड, एटलीस्ट बंदे को हैंडमेड तो मिला, बट वो हैंडमेड कहां से मिला, लगता है रूम किया था बंदे ने। भाई इतना सारा सामान लगाया और मिला क्या, क्या कुछ नहीं, कचरा। तो भाई अभी क्या करना है, अभी हम लोग ये बेस तोड़ते हैं एंड उसके बाद अब जो भी वेंडिंग वाला बेस होगा उसे तोड़ेंगे। डेफिनेटली अपने को वेंडिंग से कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा जिसने वेंडिंग में सामान बेच रहा है, तो भाई अब वही करना पड़ेगा। फटाफट से देखते हैं एंड इस बेस को तोड़ के निकलते हैं यहां से, रुक के कोई फायदा नहीं है। या बंदे ने ट्रैप्स लगा के रखे हुए, कौन ऐसे ट्रैप्स में फंसेगा जो ओपन में लगा के रखा हुआ है।
एक बार क्रॉस चेक और कर लेता हूँ, क्या पता कहीं पे इसने कोने काने में बॉक्स छुपाया होगा जिसके अंदर सामान रखा होगा, बट मुझे नहीं लगता कहीं पे उसने सामान छुपाया है। भाई जितना फ्यूल मेल्ट हुआ है वो उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ पे से, बट मेरे बैकपैक में स्पेस ही नहीं है। ये गाजर गिराओ, गाजर का क्या काम है कुछ पता नहीं। भाई अभी भी बैकपैक में स्पेस नहीं है, अब क्या ड्रॉप करूंगा, टकला ड्रॉप करता हूँ किसी का। तो चलो गाइस अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं और देखते हैं कोई बेस मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे राइन भाई बोलने लगे नेक्सस यार कोई ऐसा बेस रेड मारते हैं जिसका वेंडिंग हो। मैंने कहा यार यहाँ पे अभी दो तीन वेंडिंग बची हुई है, एक वेंडिंग जो है ना शॉप के पास है। तो राइन भाई ने बोला चलो उधर ही चलते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग पहुंचे शॉप के पास वेंडिंग के पास में, बट यार ये बेस तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो क्यों ना हम लोग जो है ना इसी को अब रेड मारते हैं एंड देखते हैं यहाँ से अपन को मिलता क्या है। आपको क्या लगता है गाइस मिलेगा कुछ? मुझे लगता तो यार डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट एक चीज और यार यहाँ पे एक काफी ज्यादा गलत सीन हुआ। Follow me. मैंने जो है ना गाइस यहाँ पे बैग लगाए क्योंकि मुझे लग रहा था यार रेड कर रहे हैं। यहाँ पे तक मेरे को याद था नोटिफिकेशन जाता Follow है me. तो बैग लगाना तो बनता ही है। तो मैंने सारे के सारे अपने बैग्स लगाए, अपने टीममेट्स को बैग दिए, बट यार जब हम लोग चाइनीज का बेस रेड मारने गए थे तब मेरा बैग नहीं लगाया। भाई गलत सीन, चलो मैं देने लगा देखो बैग। भाई क्या ही गलत सीन हुआ था, मतलब यार वो तो उस दिन तो पता नहीं क्या चल रहा था अपने दिमाग में। तो मैं एक एक करके सारे टीममेट को बैग दिया, अपना बैग लगाया एंड उसके बाद मैं गया। ऑलरेडी अपने टीममेट ने इसका आयरन का डोर हैमर से तो तोड़ ही दिया है, बट यहाँ पे शॉटगन ट्रैप्स लगा के रखा हुआ था बंदे ने। तो अभी जो है ना हम लोग इसके शॉटगन ट्रैप्स का एमो खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे ट्राई करेंगे। नहीं खत्म हुआ, लगता है इसने बुलेट्स काफी ज्यादा डाल रखी हैं। हाँ बुलेट्स काफी ज्यादा है भाई, बुलेट्स काफी ज्यादा है बंदे ने। मुझे नहीं लगता इस तरीके से कुछ काम बनेगा, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। और राइन भाई ने जो है ना शॉटगन ट्रैप के पास में गए थे, उन्होंने देखा शॉटगन ट्रैप का एमो काफी हेल्थ काफी ज्यादा कम है। सो राइन भाई ने डिसाइड किया कि अभी जो है ना हम लोग शॉटगन ट्रैप को ही उड़ा देंगे, ऑयल ड्रम्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसका हेल्थ लगभग 20 बचा हुआ है। तो देखो राइन भाई यहाँ पे ऑयल ड्रम्स लगाने लगे, बट यार हेल्थ काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता ऑयल ड्रम्स पे टूट पाएगा। एटलीस्ट हमें 3 से 4 हैंडमेड को लगाना ही पड़ेगा, बट अपना हैमर तो ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अभी भी एमो खत्म नहीं हो रहा है इसका, लगता है काफी ज्यादा है। ओके सो अब मुझे लग रहा है डेफिनेटली खत्म हो गए क्योंकि चल नहीं रहा वो। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे शॉटगन की ट्रैप्स का बुलेट्स तो खत्म हो चुका है और अभी जो है ना हम लोग करते हैं इस बेस को हैमर रेड क्योंकि स्टील के डोर काफी ज्यादा है एंड हमारे पास C4 लगभग 30 से 40 बचा हुआ है जो कि हम लोग चाइनीज के बेस में यूज करने वाले हैं। देखते हैं गाइस हम लोग उसे रेड मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। ओके गाइस यहाँ पे एक डोर तो टूटा, अभी दूसरा डोर बचा हुआ है देखते हैं। Please turn on voice chat. अपने सारे के सारे बंदे लगे हुए हैं। ओ भाई 2-4 मिनट के अंदर जो है ना ये डोर भी तोड़ा और अभी जो है ना इसको भी तोड़ते हैं। ओके गाइस अंदर लूट है इसका, लगे रहो भाई हैमर पार्टी। 28-28 का डैमेज आ रहा है गाइस, लगभग 50 का डैमेज। देखो हेल्थ कितनी जल्दी गिर रही है डोर की, टूट गया भाई। बंदे ने इतना बड़ा बेस बना के रखा हुआ है बट बंदे के पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है, सोलो बंदा है। आई रिस्पेक्ट हिम, वेल डन ब्रो, बट क्या करे गेम ही ऐसा है, रेस तो बनती है यार। भाई के पास अभी तक SMG है यार, बुरा लग रहा है बट गेम का रूल है तो रूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो चलो यार फटाफट से हम लोग TC लगाते हैं एंड इसी बेस को हम लोग पूरा का पूरा उड़ा देंगे। अब
और ये गन आर्मर गाइस हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत गन आर्मर अपने लिए सेव किया था ना, वही गन आर्मर है। अगर हमारे सारा का सारा सामान बेस में रहता तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता यहाँ पे फाइट वगैरह लेने के लिए। ये तो फर्नेस का सामान है बट ये अपने को कुछ नहीं चाहिए। बट सल्फर एंड जीपी उठा लेता हूं, हम लोग बम वगैरह बनाएंगे तो वहां पे काम आएगा। तो गाइस यहां पे से आप लोग हम लोग चलते हैं सीधा चाइनीज के बेस में। बट एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ सामान वगैरह छूट जाए बम वगैरह, बट और कुछ मिला नहीं अपने को। तो अभी मेरे पास लगभग 12 हैंडमेड है एंड 10 पीस ऑयल ड्रम और बाकी 30 C4 के करीब जो है ना राइन भाई के बैक सेफ में। तो अभी हमारे पास लगभग कुछ ही बॉम्ब्स बचे हुए हैं, तो चलते हैं गाइस यहाँ पे से हम लोग गए। चलो यहाँ पे एक दो बैंडिंग्स और लगी हुई थी, सो हम लोगों ने पहले डिसाइड करा हम लोग वहाँ पे देख के आते हैं, देखते हैं यहाँ पे अपने को बेस वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बेस होगा तो हम लोग उसे रेड करेंगे। बैंडिंग के हिसाब से चल रहे हैं गाइस अभी हम लोग। भाई अभी तो बेस भी नहीं मिल रहे हैं, 6 घंटे लेट हो, सारे के सारे बेस उड़ा दिए चाइनीज ने, ढूंढना पड़ रहा है बेस कोने काने में जाके। भाई देख रहे हो ओनली 4 वेंडिंग्स बची हुई हैं। ओके यहाँ पे हम लोग वेंडिंग के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं, बट मेरे को दूर से दिख रहा है बेस जो है ना वो 2x2 का है, बट मुझे नहीं लगता इस बेस से अपने को कुछ मिलेगा। आपको क्या लगता है? तो मैंने यहाँ पे चेक किया, अंदर कोई भी बॉक्सेस वगैरह नहीं था, सो हम लोगों ने डिसाइड करा यहाँ पे बॉम्ब वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे करते हैं चाइनीज के बेस में हम लोग बॉम्ब वेस्ट करते हैं। भाई खाली है पूरा, नहीं होगा कुछ, नहीं लगता गाइस मेरे को कुछ होगा यहाँ पे, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ऐसे करते हैं ना निकलते हैं, वैसे अगर मैं यहीं पे वेस्ट कर लेता यार मजा आ जाता, बट क्या करें जब बोलता है ना बॉम्ब वेस्ट होने तो होते ही है कहीं ना कहीं। अभी हम लोगों ने सारे बॉम्ब चाइनी बॉम्ब तो नहीं दिए, 12 हैंडमेड दिए और 10-15 ऑयल रन। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने डिसाइड करा ये बेस अब लोग रेड नहीं मारेंगे, अभी हम लोग चलते सीधा चाइनीज के बेस में। वैसे भी अब मुझे पता है हमारे पास इतने बॉम्ब्स नहीं है हम लोग चाइनीज का बेस रेड मार पाए, बट हमारे पास हैमर है, हैमर से तो गाइज इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग चाइनीज के बेस में पहुंचे एंड यहाँ पे देखो भाई हैमर वाली गलती ना यहाँ पे भी हमसे। तो भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली डोर होगा इसका मेन डोर, और मेन एरिया जो है ना इसका 3x3 है, बट यहाँ पे देखो वहां पे हम लोगों ने जब गैस स्टेशन का बेस रेड मारा था वहां पे हम लोगों ने बैग्स लगाए थे एंड यहाँ पे गाइस हम लोगों ने बैग्स नहीं लगाए, देख रहे हो। तो मैंने कहा राइन भाई से बॉम्ब लगाओ सीधा, हमने कहा हैमर जो है ना हम लोग स्टील की वॉल में यूज करेंगे। भाई यहाँ पे जो है ना राइन भाई ने डायरेक्ट हैमर यूज कर दिया। चलो गाइस यहाँ पे हमें इसका डोर तो मिला, टाइटेनियम का डोर है और ओके भाई अंदर तो पूरा ओपन है। भाई यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करा चलो फटाफट से हम लोग हैमर से रेड मारते हैं इसको। 12 C4 की गाइस लालच आ गया क्योंकि वो तो C4 शेप में थे, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है अभी जो है ना इसको हम लोग हैमर से रेड मारते हैं। बट जैसे गाइस यहाँ पे अपने टीममेट हैमर से लगे तो मुझे यहाँ पे फुटस्टेप्स आने लगे,
भाई मैंने बोला राहिन भाई सीवर लगा दो, अभी अपने में टाइम नहीं है। बंदे के फुटस्टेप्स आने लगे, देखो भाई बंदे को नोटिफिकेशन आ गया। एंड मैंने जो है ना गाइस यहां पे बैग नहीं लगाया था, तो राहिन भाई के पास जितने भी बॉम्ब थे ना, राहिन भाई ने बॉम्ब लगाया एंड वो बंदा जो है ना ऊपर से ऑटो कैनन लेके कूद गया। भाई यहां पे गाइस हमसे काफी ज्यादा गलती हुई, ना ही हमने अपने बैग्स लगाए और ना ही गाइस भाई देख लो 71 आवर में ना आप लोग हैमर से रेड नहीं कर सकते। भाई मैं यहां पे बंदूका मारने का प्लान था, ये देखो मरा क्यों नहीं भाई। 20 ऑयल ड्रम्स गए एंड 12 हैंडपेंट गए, बैग्स वगैरह किसी के नहीं थे। एंड मैंने कहा चलो यार यहीं पे हमारी ट्रेड खत्म। ऑफलाइन के चक्कर में थे, हैमर के चक्कर में सारा गुड ओवर हो गया। राइन भाई ने ट्राई जरूर किया बट राइन भाई भी जो है ना ऑटो कैनन से खत्म। मैंने कहा अभी जो है ना आराम से सो जाओ, 10-12 हैंडमेड C4 बचे हुए अपने सेफ में, वो कुछ काम के नहीं है। तो उसके बाद जो है ना गाइज हम लोग सो गए थे। तो चलो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड सर्वर जो है ना हम लोगों ने यहीं पे एंड कर दिया था। तो मिलते गाइज आपसे नेक्स्ट सर्वर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो बस।